अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओपन पोर्स पे। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ओपन पोर्स को ख़त्म करने का तरीका बता दें। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पैदा होते हैं, ओपन पोर्स तब से ही आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। ओपन पोर्स ख़त्म नहीं किए जा सकते। हाँ, ये है कि हमारी स्किन केयर में जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से अगर पोर्स बड़े हो गए तो आप उनको श्रिंक कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपके ओपन पोर्स बहुत हद तक ना होने के बराबर हो जाएंगे, इतने श्रिंक्ड हो जाएंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपके ओपन पोर्स हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम होम बेस्ड रेमेडीज़ की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि हर एक को पसंद होता है होम बेस्ड रेमेडीज़, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल्ड रेमेडीज़ दी थी, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। और उसके अलावा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो कि अब मेन चीज़ है, एक ही चीज़ है, ख़रीद लें चुपचाप और उसके बाद आराम से अप्लाई करें। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहे कि इस स्किन टाइप के लिए है, इस स्किन टाइप के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ है जी नाइसाइनामाइड। तो नाइसाइनामाइड आप ख़रीद लें, और नाइसाइनामाइड दी ऑर्डिनरी का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, 10% नाइसाइनामाइड है, इसको आप बाय कर लें। और मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, बाकी कंट्रीज़ में आराम से मिल जाता है, आप गूगल करके देखें। और पाकिस्तान में कहाँ से मिलता है उसकी वेबसाइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस्तेमाल करने से पहले इसके जो फ़ायदों की बात कर लूँ, तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने के अलावा जिन लोगों को ब्लेमिश का मसला होता है या फिर उनका कलर अगर अनइवन हो चुका होता है तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, तो देखिए जी, इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, देखिए, कोई भी जब आप केमिकल बेस्ड चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको आपने फ़ौरन से पहले अपने पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना होता। स्टार्ट आप करेंगे हल्के से, यानी कि जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर्स का मसला है वहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप मुँह धोएं, मुँह धोने के बाद अपने मुँह को ड्राई करें, ड्राई करने के बाद आपने नाइसाइनामाइड के कुछ कतरे अपने हाथ पर लेने हैं और उनको जहाँ जहाँ पर आपको ओपन पोर्स का मसला है सिर्फ वहाँ वहाँ पर आप उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरे फेस पर वैसे तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ उस हिस्से पर अप्लाई करना है जहाँ पर आपको ओपन पोर्स का मसला है, जैसे कि अक्सर लोगों को इस हिस्से पर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है। तो सुबह में आपने करना है, शाम को आपने करना है, ठीक है। और इसको धोने की ज़रूरत नहीं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेकअप करते हैं तो आप इसके ऊपर ही मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर ही अगर आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ये तरीका है नाइसाइनामाइड को इस्तेमाल करने का। एक दो मंथ आप इसी तरह से यूज़ करोगे कि जो आपका प्रॉब्लम एरिया है सिर्फ आप वहाँ पर ही इसको अप्लाई करोगे, यूँ हल्के हल्के हाथों आप डैप करोगे, आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और बस। एक से दो महीने के बाद जब आपकी स्किन इस चीज़ की आदि हो जाएगी तो फिर आपने इसको पूरे फेस पर अप्लाई करना है, क्योंकि ये सीरम होता है। तो इसलिए जिस तरह सीरम को आप 3-4 कतरे टंग 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 करके लगाते हैं उसके बाद मसाज करते हैं, इसी तरह से आप एक से दो महीने के बाद पूरे फेस पर अप्लाई करोगे इसे। और स्टार्ट में आपने इसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करना, बेहतर है कि आप वीक में 3 दफ़ा, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन इसको अप्लाई करें। अब आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम विटामिन सी सीरम भी यूज़ करते हैं, तो हम क्या विटामिन सी सीरम और नाइसाइनामाइड इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आप दोनों को एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप नाइसाइनामाइड भी यूज़ करते हैं और विटामिन सी सीरम भी यूज़ करते हैं तो इसका तरीका यह है कि एक दिन आप नाइसाइनामाइड यूज़ कर लो, एक दिन आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर लो, एक दिन नाइसाइनामाइड, एक दिन विटामिन सी सीरम। या दूसरा तरीका यह है कि दिन में आप नाइसाइनामाइड यूज़ कर लो, रात को आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर लो, या फिर दिन में आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर लो, रात को आप नाइसाइनामाइड यूज़ कर लो। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।